कप्तान सरफराज अहमद ने मुकामी एकेडमी का दौरा किया और इस मौके पर गुफ्तगू में कहा कि वर्ल्ड 11 श्रीलंका और वेस्टइंडीज के पाकिस्तान आने की खबर बड़ी खुशाइंद है। पाकिस्तान ने क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी खुशाइंद बात है और इंशाल्लाह जैसा कि आपने देखा कि श्रीलंका की टीम भी आने को तैयार है, उसके बाद वेस्टइंडीज की टीम भी है, तो आई थिंक इससे आगे इंशाल्लाह पाकिस्तान ने क्रिकेट को बहुत ज्यादा फायदा होगा। विकेट कीपर बैट्समैन ने कहा कि जो खिलाड़ी अब तक अपने मुल्क में नहीं खेले उन्हें होम ग्राउंड पर परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। जो होम क्राउड के सामने जब लड़के अपनी अपनी परफॉर्मेंसेज करते हैं तो लोग उनको जानते भी हैं, फिर सुपरस्टार भी बनते, तो आई थिंक बहुत अच्छा साइन है उन तमाम लड़कों के लिए। सरफराज अहमद ने कहा कि वर्ल्ड 11 के खिलाफ टीम की क्यादत करना एक ऑनर है। ऑनर की बात होगी मुस्तमिल तमाम प्लेयर्स के लिए, जो भी हमने नाम सुने हैं माशाल्लाह से बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे एक्साइटिंग मैच होंगे और पाकिस्तानी आवाम को एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। सरफराज अहमद कहते हैं कि काउंटी क्रिकेट का तजुर्बा अच्छा रहा, कम लेकिन क्वालिटी टाइम गुजारा। सरफराज अहमद जुमेरात को फिटनेस टेस्ट के इख्तिताम पर इंग्लैंड रवाना हो जाएंगे। कैमरामैन जवाद हैदर के साथ सुहेल इमरान, जियो न्यूज़ लाहौर।